أشترك لراجك ساني وشتي أبايت وشتي تبيش أنش مانكا بطران هم كان جاتي اور كيچن تاها كيستي ما چنك نودلز هم بنائي گيا تا اور تقريبا من تيار كوتا شما چارت كوتا نتا ادا تيار هم اي چنك نودلز اور پدا ما ہوتي مهمانا هم صرف كوتا دما تیسٹ هلم جس کرا كي چون بنتا پر جاكي چونا ها انچش بھی كي وحد کم پشت کبھی بن گرا اور من نیا تيار گنک کنا گئی كيسے ٹائم روتے تو كيسا لگا آپ کو چنك نودلز फीडबैक मेरा दाद खुद करने था मैं कैसे वशी सुबह पेज सरा हम और यूट्यूब चैनल सरा हम शुमा चाट करने था अगर शुमारा रेसिपी यानी शुमा प्रोग्राम में चाहता रिपीट था हम चाट खुद करने था शपे दो से बजा आइए छे अभी यूट्यूब है कैसे मैं प्रोग्राम के बीतती आइए था हम चाट करें और शुमा फीडबैक हम जब गेंदी हमारा वशी बीते कि शुमा हम बाहर जुरे गए था और माना याद इन के चीज़ें रेसिपीज़ मैंने घोषित बीतेगा और आईनी सरा हम इनशाला कैसे दिन के लिए मरा गिशा मकार करें और माँ बनाए नहीं मेरा बस ग्रान लगी बिरयानी बनाए ना वरना मैं ज़रूर बनाई तक आता एक ही तो बिरयानी एक ही तो सिसरे के कैसे फरमाइश तनी वादा अपनी जैना हंसते बल मन बियाल नया इनशाला ज़रूर बनाए ना नए लेकिन ये तो को कम वो मेहनत दरकार है गेश मेहनत दरकार है कम वो भी ना बल्कि तो हमें वास्तव मैंने ये कम वो डिले करेंगे लेकिन बनाए ना ज़रूर खैर यहाँ प्रोग्राम भी जो ना एंडिंग पॉइंट पे पहुँचा है तो मैं यहाँ कंक्लूजन ज़रूर लेना चाहूँगी और आप लोगों से मैसेजेस भी क्योंकि इस सिचुएशन में आकर मुल्क के हालात देख कर तो आगे कोई रोशन कुछ लोग कहते हैं कि उम्मीद है कुछ लोग कहते हैं कि हमें उम्मीद नज़र नहीं आती लेकिन नाउम्मीदी कुफ्र है मायूसी कुफ्र है हम उम्मीद से ही ये दुनिया कायम है और उम्मीद ही रख सकते हैं बेहतरी की तरफ मगर हम खुद से बजाते खुद क्या ऐसा करें क्या ऐसे कदम उठाएं या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सब मिलकर एक ऐसी ऐसी चराग रोशन करें जिसकी रोशनी से आगे अंधेरा जो रास्ता है वो रोशन करें ठीक है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 65% से ज़्यादा यूथ पाई जाती है तो उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ते हैं या एजुकेशन हासिल करते हैं कम अज़ कम कुछ ना करें किसी दो बंदों को अपनी वो एजुकेशन डिलीवर कर पढ़ा दें उनको एजुकेट कर दें ताकि आपके आपसे दूसरा कोई फैज़ हासिल कर सके सही। या कोई ऐसा काम करें जिससे आप अपने इलाके को अपने मोहल्ले को अपने शहर को रिटर्न कर सकें अगर ये सोच हमारे पास होगी कि मैंने जहाँ से मैं ब्रिंग अप हुआ हूँ जहाँ मेरी पैदाइश है जहाँ मैंने तालीम हासिल की उसको मैं पे बैक करूँ चीज़ को तो आप लाजमी सी बात है उस चीज़ को उठाने में या उस चीज़ को सही करने में अपना एक छोटा सा एक ड्रॉप यानी आप समंदर में एक अपना कतरा ऐड कर देंगे ये बेसिक सोच होनी चाहिए और दूसरा ये है कि मैं आपके चैनल के तवसत से एक मैसेज अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल हमें देख रहा है तो उनसे एक अपील करेंगे कि मीरपुर खास के अंदर यूनिवर्सिटी की बहुत नीड है कोशिश अगर ये खैर हमारा हक है यूनिवर्सिटी और उसके लिए भी हमें अपील करनी पड़ रही है ये भी हमें अफसोस होता है इस चीज़ पे भी कि हम अपना हक भी भीख की तरह मांगते हैं यहाँ पर तो मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी की नीड है यूनिवर्सिटी हमें मीरपुर खास को दी जाए और उसके बाद यूथ को सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि होप रखें पाकिस्तान के हवाले से क्योंकि आपकी होप ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है बेशक बेशक और बिल्कुल अफसोस के साथ कहना पड़ता है तकरीबन हमारी चाहे वो सिंध हो अंदरूनी सिंध के मामलात हों या बलूचिस्तान के वहाँ स्टूडेंट्स का हाल ये है कि वो अपने हक़ के लिए भी आवाज़ उठाते हैं तो फिर उनको जो है ना वो अरेस्ट कर दिया जाता है या उन्हें चुप करवा के खामोश करवा दिया जाता है तो ये भी हाल है हमारे तो खुदारा गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो इस तरफ नज़रसानी करें चाहे वो मीरपुर खास हो चाहे वो बलूचिस्तान के एरियाज़ हों चाहे वो पंजाब की तरफ का एरिया हो या खैबर पख्तूनख्वा ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ सुने खुदारा और उनके हक जो बेसिक उनके राइट्स हैं वो उनको दें जी डॉक्टर फरहान आप क्या कहना चाहेंगे जैसे अजमन ने कहा कि यूथ बहुत है और मुल्क में जैसे नौजवान असल मुल्क के मामार हैं ये कदम उठाएं और कारवा बनता जाएगा और मीरपुर खास के लिए जो हमारे ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन या वज़रा देख रहे हैं तो कैंसर हॉस्पिटल अपर सिंध इवन
बलूचिस्तान के भी आवाम कराची आती है कैंसर के कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो कैंसर का हॉस्पिटल मीरपुर खास में अभी तो बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि अपर सिंध और लोअर सिंध दोनों में ही कैंसर का हॉस्पिटल और ऑपरेशन के लिए तो कहीं भी नहीं है। जितने भी लोग आते हैं कराची में प्राइवेट बहुत सारे पैसे लगते हैं और 70% लोग तो अपने घरों पर ही डेथ हो जाती है, ज़ाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने ये स्टेप उठाया है अलशरा वेलफेयर ट्रस्ट ने, मैं एज अ डॉक्टर भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कैंसर हॉस्पिटल के लिए मीरपुर खास में। इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे में अल्लाह ताला मदद करेगा और लोगों की दुआएं इंशाल्लाह हम इसमें इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे कि खुदा ताला आपकी इस ख्वाहिश को जो है ना बाकायदा तकमील तक आपको पहुँचाए और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं खुदा ताला खुद रास्ता दिखाएं, क्योंकि हमारी आवाम जिस तरह से स्ट्रेस में है, जिस तरह से उसको कंफ्यूज रखा गया है, उन हालात में मुझे नहीं लगता कि आगे फर्दर वो खुद से कोई स्टेप अब भी उठाएंगे, क्योंकि पिछले 70-72 सालों से हम ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। और एक और रिकमेंडेशन एडवाइस हेल्थ मिनिस्टर के लिए कि अगर उनसे OPD नहीं चलाई जाती तो सोशल वर्कर को दे दें, वो अपने मैं भी अपने पैसे लगा कर या जो ग्रुप है हमारा पैसे लगाकर OPDs कर रहा है तो वो आपकी जो बनाई हुई OPD उसके ऊपर कम पैसे खर्च करके आपसे अच्छी ज़्यादा OPDs कर सकते हैं। सिर्फ एक नहीं, कराची के पंजाब के जितने भी सोशल वर्कर हैं सब अलग अलग अपनी जगह पर OPDs कर रहे हैं और अपने हॉस्पिटल चला रहे हैं। वो अपने हॉस्पिटल चलाने पर इसलिए मजबूर हैं कि आपके OPDs और आपके हॉस्पिटल सही नहीं चल रहे, वो अपना पैसा ही लगाएं लेकिन आप उनको दे दें जो आपसे नहीं चल पा रहे और मरीज का तो भला हो जाएगा। वो कभी मानेंगे कि उनसे नहीं चल पा रहा? नहीं मानते तो मरीज का तो नुकसान नहीं करें ना, मरना तो उनके भी है और मरीज को भी मरना। इजारादारी खत्म हो जाएगी, इस वक्त अथॉरिटी उनके हाथ में, अथॉरिटी खत्म हो जाएगी तो फिर उनसे पूछने के लिए कौन आएगा? एक दवाई की पर्ची लेके एक गोली के लिए कौन खुआर होगा उनके पीछे? लेकिन हालात यूं ही रहे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। उनके उनकी सिचुएशन बिल्कुल बजा है कि अगर हम ऐसा करें तो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप ख़ुद अपने अंदर बेहतरी लाएं, अपने निज़ाम में बेहतरी लाएं। जैसे ही एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही होता आया है, जब भी आवाज़ सिलेबस के लिए उठाई जाती है तो पैटर्न चेंज हो जाता है, जब भी आवाज़ हमने गोस्ट स्कूल्स के लिए उठाई तो जी हमें यहाँ पर जो है ना थम सिस्टम पर ले आया, लेकिन उसका भी हल निकल आया, बायोमेट्रिक की कोई ख़ास जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा। शुरू में सब करते रहे, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी अपना तरीका निकाल लिया उन्होंने, लेकिन खैर हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाने के लिए कोशिश हम जाना वो जारी रखेंगे। आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें बुलाया है यहाँ पे और अपने व्यूज़ हमारे व्यूज़ जो हैं वो शेयर करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैं जाना वक्त देने के लिए, क्योंकि वक्त इस इन हालात में देना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। एट लास्ट कुलराज शो में हूँ, मिन्नत अगरा परसों के शो में वाहद में वस्त सकबास अर्जिश दारी तीश में मेरा दोस्ती के शो में वाहद कश मराकश चारे था नुमाना कायनात वकील मोहम्मद अमनी टीम में हमरा ये रजा भी दिए और मराकश छू लगे थी फीडबैक का अलम भी दिए नतीजा अला बिदारे अल्लाह।